देश में लॉकडाउन लगने के बाद पुलिस के अलावा कुछ और संस्थाएं प्रमुखता से काम कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है एनएसएस। एनएसएस का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना। इसकी शुरुआत 1969 में जब महात्मा गांधी का स्वर्ण जयंती वर्ष था तब हुई थी। एनएसएस को बनाने का उद्देश्य स्टूडेंट्स में ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करना और उन्हें समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना और स्टूडेंट्स को सामाजिक कार्यों से जोड़ना है। इसीलिए एनएसएस का मोटो भी है नॉट मी बट यू, जिसका मतलब है मैं नहीं आप। एनएसएस देश के युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत 8,000 स्टूडेंट्स से हुई थी और आज इसकी संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है। एनएसएस में वो स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं। एनएसएस का मेन काम अपने कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में लोगों को साक्षरता या इलिटरेसी या फिर पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम या सरकार की कोई भी ऐसी योजना जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सर्व शिक्षा अभियान है, इससे लोगों को अवेयर कराना और साथ ही किसी प्राकृतिक आपदा के समय या आपातकाल की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना है। एनएसएस का कोर्स कंप्लीट होने पर हर स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी मदद से आप हायर एजुकेशन में कुछ रिजर्वेशन ले सकते हैं और अब तो छत्तीसगढ़ पुलिस में एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए 15% का कोटा भी है। तो आप सब एनएसएस से जुड़ें और देश के लिए काम करें।